Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to my channel Basic Learning. आज के इस वीडियो में मैं आपको प्यास नदी के बारे में पढ़ाऊंगी. पहले भी मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा चुकी हूँ सभी रिवर्स के बारे में. आज मैं आपको ब्यास करवाऊंगी और इसके बाद हमारी रिवर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. इसके बाद मैं आपको कुछ सिंगल टॉपिक्स करवाऊंगी और फिर से मैं किसी सीरीज़ पे जंप करूंगी, ठीक है. चलिए, ब्यास रिवर. ब्यास रिवर जिसकी लंबाई है 256 किलोमीटर्स, ये हिमाचल प्रदेश की सेकंड सबसे लंबी नदी है. पहली नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट जो हमारी सबसे लंबी नदी है वो है सतलज. कौन सी है? सतलज, ठीक है. सतलज की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर. हिमाचल प्रदेश की लंबाई है ये, ठीक है. ये एचपी की है. और ओवरऑल कितनी है ब्यास की लंबाई? 460 किलोमीटर. जल ग्रहण के क्षेत्र से देखा जाए तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है. वैदिक नाम है इसका अरिचकिया और बिपाशा इसका संस्कृत नेम है. उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से ये निकलती है. वैसे बोला जाता है कि ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, पर ब्यासकुंड भी इसका उद्गम स्थल माना जाता है. दो धाराएं हैं, ब्यासकुंड और ब्यासरिखी, ये इसका ब्यास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है इसे, ठीक है. जब निकलती हिमाचल प्रदेश से है तो प्रवेश स्थान, ऑब्वियसली बात है, ये जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो वहाँ पे इनका प्रवेश स्थान आएगा. हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है तो हिमाचल प्रदेश में तो इसका प्रवेश स्थान होगा नहीं ना, है ना. तो ये संधोल से ये कांगड़ा में एंटर करती है और फिर बजोरा से ये मंडी में एंटर करती है. पहले मंडी में एंटर करती है और फिर कांगड़ा में ये आगे जाती है, ठीक है. शहर इसके किनारे हैं मनाली, कुल्लू, नदौन, मंडी, सुजानपुर, देरा, गोपीपुर, ठीक है. और भी कई शहर हैं, आगे बताऊंगी पूरा जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी. सहायक नदियाँ इसकी बनेड़ खड है, लूनी है, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, बाणगंगा, गज, चक्की और भी हैं, ठीक है. सबसे ज़्यादा सहायक किस नदी की है? सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ ब्यास नदी की हैं, ठीक है. कांगड़ा किला बाणगंगा के किनारे आपने देखा होगा, यहाँ पे है कांगड़ा किला. तो यहाँ से रोड जाता है, ये रोड है, इस साइड है बाणगंगा खड निकलती है ये, ठीक है. तो जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं गए उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है. किसके किनारे हैं? बाणगंगा के किनारे हैं. सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ब्यास नदी की? पार्वती है. पार्वती कहाँ बहती है? कुल्लू मनाली में बहती है ये, ठीक है. चलिए आगे कर लेते हैं पूरे चार्ट से. ये है हमारा मैप, जहाँ जहाँ पे ब्यास नदी बहती है वो मैंने प्लॉट कर दिया और कुछ बॉर्डर्स भी मैंने बताए हैं इसमें. ये है कुल्लू, ये है मंडी, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा. कुल्लू के इस साइड है लाहौल स्पीति, कांगड़ा के ऊपर है चंबा, ठीक है. कुल्लू और लाहौल स्पीति के इस साइड है किन्नौर, ठीक है. ये है बड़ा बंगाल का एरिया, बताया था ना मैंने जब मैंने रावी पढ़ाई थी कि बड़ा बंगाल से दो धाराएं निकलती है, तंतगिरी और भादल. जो भादल भादल ग्लेशियर से निकलती है और तंतगिरी नदी तंतगिरी ग्लेशियर से निकलती है और आगे वो फर्दर रावी बनाती है. चलिए, ठीक है, हम कर रहे हैं ब्यास नदी. ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है, जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा. ये है आपका रोहतांग दर्रा. आपसे पूछा जाए कि कौन से दर्रे से ब्यास नदी निकली जाती है, तो वो ब्यास नदी का कौन सा दर्रा उद्गम स्थल है, तो वो है रोहतांग दर्रा. कहाँ पे है? कुल्लू में है, ठीक है. ब्यास नदी के वैसे दो स्रोत माने जाते हैं, ब्यास कुंड और ब्यास रिखी. ये है ब्यास कुंड, ये है ब्यास रिखी, ये, ठीक है. आपसे पूछा जाए कि ब्यास नदी के दो स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक है आपका ब्यास कुंड और एक है ब्यास रिखी. और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है, ठीक है. लेकिन जो आपका ब्यास रिखी और ब्यास कुंड है ना, इन दोनों के बीच में एक ऊंचाई वाला क्षेत्र भी है जहाँ पे है आपकी दशहर झील. ये देखिए, ये ब्यास कुंड, ब्यास रिखी, यहाँ पे है आपकी दशहर झील. ये मैंने प्लॉट किया, ये है आपकी दशहर झील, जिसे आप सरोवर दुशहर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दुशहर. हर बुक में एक हर नाम है, हर कोई नाम है, तो आप पढ़ के जाएं, देख के जाएं, ठीक है, ठीक है. इस झील से कहते हैं कि इस झील में नहाने से शरीर के कष्टों का निवारण होता है, ठीक है. इस झील से, दशहर झील से या दुशहर से एक नाला निकलता है जिसका नाम है राहणी नाला.
ठीक है, ये यहाँ से ये निकला, इससे मिलता है आके, क्या कौन सा नाला निकला? राहणी नाला। तो क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी का पहला सहायक नाला कौन सा है? ब्यास नदी का पहला सहायक नाला कौन सा है? तो पहला सहायक नाला आपसे पूछा जाए तो क्या है वो? राहणी नाला। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ब्यास नदी के ऊपर वाला क्षेत्र है ना, उसे हम उझी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उझी कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? क्या बोलते हैं इसे हम? उझी कहते हैं। उझी में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें हम झेचा कहते हैं। ये झेचा, दो नाम आपको नहीं पता चले, ब्यास के ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं उझी, यहाँ रहने वालों को झेचा कहते हैं। ठीक है, उझी के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ। जो उझी है ना, वो कहते हैं कि आदि काल में ना वो बहुत ही एक खुशहाल और संपन्न क्षेत्र था। ठीक है, नदियों के दोनों ओर जैसे विशाल समतल खेत थे। ठीक है, इस साइड बहुत विशाल और समतल खेत थे, और पुराने समय से लेकर ही ये मतलब धान उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है ये धान उगाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा धान जो है वो प्रसिद्ध था इस क्षेत्र का, तो वो था जाटू धान। कौन सा धान था? जाटू धान। किस क्षेत्र का है? ऊझी क्षेत्र का है। ऊझी क्षेत्र कौन सा है? ब्यास से ऊपर वाले क्षेत्र को हम ऊझी क्षेत्र कहते हैं। ऊझी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? झेचा कहते हैं। लग गया इतना पता? चलिए अब चलेंगे हम सहायक नदियों की और नालों की तरफ। स्रोत पता चल गया, दशहर झील पता चल गई, शरीरों के कष्टों का निवारण होता है दशहर झील में, दुशर्प बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्यास रेखी, ब्यास कुंड, दो स्रोतों से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, राहणी नाला, पहला सहायक ब्यास का नाला कौन सा है? राहणी नाला है। ऊझी क्षेत्र ऊपर वाला है। इतना इतना सब समझ आ गया। चलिए अब हम करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज को, इसके सहायक नाले खड्डों को, और साथ में जो भी इनके जो भी शहर बसे हैं, जो भी गर्म पानी के चश्मे हैं, ठंडे पानी के हैं, जो भी हैं, वो हम सब इसमें करेंगे, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी करेंगे। चलिए हो गया इतना, छोड़ दो, ब्यास नदी बन गई है, लग गया हमें पता। पहला नाला राहणी नाला मिला। ब्यास कुंड से आप नीचे आते जाइए, इस साइड देखिए। अच्छा, उसके बाद ब्यास कुंड में ना एक नाला और मिलता है, उसका नाम है सोलंग नाला। ठीक है, सोलंग नाला कहाँ से निकलता है? सोलंग घाटी से ही निकलता है। कहाँ की है ये घाटी? कुल्लू की है ये घाटी। उसके बाद आता है मनालसू। मनालसू नाला वशिष्ठ के ठीक सामने जो है वो मनालसू नाला मिलता है। ये है, इसे आगे आ जाइए, ये है वशिष्ठ चश्मा, वेरी फेमस वशिष्ठ चश्मा। उससे आगे मनाली। मनाली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वो है ब्यास नदी के किनारे बसा है। देन कारणी नाला किसका है? कारणी नाला। अगला नाला है फोजल नाला। फोजल नाला डोबी के समीप ब्यास नदी से मिलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाला है ये नाला जो है वो कुल्लू क्षेत्र का सबसे भयानक नाला है, और ये कुल्लू की तबाही के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये नाला। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा नाला है जो भयानक नाला है कुल्लू क्षेत्र का, तो वो है फोजल नाला। ठीक है, ये डोबी के समीप है और कई बार बाढ़ का कारण बना है, और डोबी के आसपास क्षेत्रों को में जो बाढ़ आती है वो फोजल नाले से ही आती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, उसके बाद है आपका सरवरी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए कि सरवरी नाला भी इसके बाद ब्यास नदी का सहायक है। अच्छा, जो फोजल नाला है, जब वहाँ से बाढ़ आती है या पानी का जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरवरी नाले में और एक नाला है पंजोड, आप देख लेना इसको क्या बोलते हैं, बट पंजोड जो कि है मंडी क्षेत्र में। ठीक है, फोजल सरवरी, जब फोजल नाले से बाढ़ आती है या फोजल नाले में वर्षा होती है, तो सरवरी और पंजोड़ में भी खूब वर्षा होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी जब फोजल नाले में बाढ़ आती है तो सरवरी नदी और जो मंडी जिला का ये पंजोड़ है, पंजोड़ नाला है, यहाँ पे भी बहुत बारिश होती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो तीनों नाले हैं ना, ये तीनों नालों का जो है एक ही पर्वत श्रेणी से उद्गम स्थल है इनका, एक ही पर्वत श्रेणी से ये निकलती है, जिसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं सोरी जोत। क्या बोलते हैं? सोरी जोत, जिसका मतलब है सरों की पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं?
सरों की पर्वत श्रृंखला, फोजल, सरवरी और पंजोर नाले नाला जो है उनका उद्गम स्थल एक ही पर्वत श्रेणी है, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है सोरी जोत, और अर्थात जिसका मतलब है सरों की पर्वत श्रृंखला। चलिए इसे आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे तो आगे है भुंतर, ये है आपका भुंतर एरिया। यहाँ पे पार्वती नदी जो है ब्यास नदी से मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? मंतलाई झील। मंतलाई झील से पार्वती नदी निकलती है। पार्वती नदी के किनारे है कसोल, खीर गंगा, रुद्रनाग, मणिकरण। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मणिकरण जो है किस नदी के किनारे है, तो कुछ भी नहीं लगाते ना, पार्वती नदी के किनारे है। ब्यास के मनाली किस मनाली शहर किसके किनारे है, तो वो ब्यास नदी के किनारे है। ठीक है, पार्वती नदी के साथ एक और खड्ड मिलती है मलाना खड्ड। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र क्या है, कौन सा है? मलाना गांव, सुना ही होगा आपने उसके बारे में। किससे रिलेटेड है वो? जामलू देवता जी से, जिसे हम जम दग्नि देवता जी भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मलाना गांव के बारे में हो गया। भुंतर के पास ये नदियाँ, एक हारला नदी है वो भी भुंतर के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। आगे चल के लारजी, लारजी एक परियोजना भी है। देखिए, जब तक आप नदियों को अच्छे से नहीं करेंगे ना, तब तक आपको परियोजनाएं भी याद नहीं हो सकती हैं। आपको पहले नदियाँ अच्छे से करनी है, ताकि आपको उस शहर का, जिस शहर के नाम पर रखा है, किस नदी के नाम पर रखी हुई है, उसका पता चल जाए, फिर आपको आगे परियोजनाएँ के बारे में ईजिली याद रह जाएगा। तो पहले नदियाँ करनी है, रिवर्स करेंगे, उसके बाद परियोजनाओं के बारे में करना है। ठीक है, लारजी के समीप मिलती है सैंच नदी और तीर्थन नदी। कौन सी नदी मिलती है? सैंच नदी और तीर्थन नदी। और आगे ये ब्यास नदी जो है बजोरा में मंडी से एंटर कर जाती है और कुल्लू को ये छोड़ देती है। ठीक है, इतना हो गया कुल्लू, आगे चलेंगे मंडी की तरफ। बजोरा से इसने एंटर कर लिया मंडी की तरफ। आगे जाएंगे पंडोह। आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम यानी कि मैन मेड लेक कौन सी है, तो वो है पंडोह। कितने किलोमीटर में है? 14 किलोमीटर की है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी का पानी जो है, सॉरी ब्यास नदी का पानी जो है, वो सतलुज में मिलाया जाता है। ठीक है, वो कहाँ से मिलाया जाता है? पंडोह से मिलाया जाता है, और सलापड़ के पास ये एंटर, आगे ये सतलुज में मिलाया जाता है, सलापड़ में। ठीक है, कहाँ पे? बिलासपुर में, बिलासपुर में। ठीक है, चलिए आगे लूणी नदी मिलती है, लूणी ब्यास की सहायक। उहल नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उहल नदी क्वेश्चन आता है, उहल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो कांगड़ा में है। उहल नदी मंडी से नहीं निकलती, उहल नदी कांगड़ा से निकलती है और फिर ये ब्यास में आके मंडी में मिल जाती है। रीना नदी इसकी सहायक है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे संधोल, ये है संधोल, यहाँ पे है बॉर्डर पे संधोल। संधोल से ये आगे कांगड़ा में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये है संधोल। संधोल कहाँ है? बॉर्डर पे है। ठीक है, संधोल से ब्यास नदी जो है वो आगे कांगड़ा मिल जाती है, ये है कांगड़ा। ठीक है, जब संधोल नदी आगे कांगड़ा में जाती है, तो उसको बॉर्डर पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है बिनवा नदी। बिनवा नदी कहाँ से निकलती है? बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। बैजनाथ कांगड़ा में, कांगड़ा में बैजनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बिनवा नदी मिलती है, जो संधोल के पास ब्यास से मिल जाती है। उसके बाद ब्यास नदी आगे जाती है बॉर्डर बनाते हुए, हमीरपुर का और कांगड़ा का बॉर्डर बनाते हुए ये आगे निकलती है, और साथ में न्युग्गल खड्ड, एक जो खड है वो ब्यास की सहायक बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्युग्गल खड किसकी सहायक है, तो वो ब्यास की सहायक है। ठीक है, सुजानपुर एक फेमस शहर है, सुजानपुर और नदौन। जब मैंने आर्किटेक्चर एंड स्टाइल करवाई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक नर्वदेश्वर टेम्पल है जो सुजानपुर टीरा में है। ठीक है, वो फ्लैट रूफ स्टाइल में बना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, वो ये है वो सुजानपुर टीरा, कहाँ पे है? हमीरपुर में। नदौन आगे है, नदौन ये भी ब्यास के किनारे है शहर। ठीक है, आगे चलिए, देहरा गोपीपुर किस नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे है। आगे मिलती है ब्यास नदी को गजखड़। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए पोंग डैम किस नदी पर बना है, तो पोंग डैम बना है आपका ब्यास नदी पर। दो खड़े हैं बाण गंगा और बनेर, ये है कांगड़ा शहर, बाण गंगा और बनेर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
जो कांगड़ा का किला है ठीक है, वो किस नदी के किनारे है? वो बाण गंगा के किनारे है ठीक है। बाण गंगा किसकी सहायक है? सॉरी, ब्यास नदी की सहायक है। बनेट किसकी सहायक है? ब्यास नदी की सहायक है ठीक है। आगे एक फेमस नदी है चक्की नदी, सुना होगा आपने। चक्की नदी जो है वो ब्यास नदी की सहायक है ठीक है। वो बनाती है पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए, पंजाब या कांगड़ा का बॉर्डर बनाते हुए वो मिर्थल के पास या फिर मिर्थल से पहले मतलब इधर बॉर्डर पे ही जो है वो ब्यास नदी से मिल जाती है ठीक है। चक्की नदी का उद्गम स्थल क्या है? भटियात के पास, चंबा। चंबा भटियात के पास चक्की जो खट चक्की खट जो है वो वहाँ से निकलती है और ब्यास नदी में मिल जाती है। आगे जो ब्यास नदी है वो मिर्थल में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के आगे पंजाब में चली जाती है ठीक है। ये है पूरा मैप ब्यास नदी का। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट से। दो स्रोत हैं, ब्यास कुंड और ब्यास रिखी। ब्यास रिखी और ब्यास कुंड से, ब्यास नदी के दो स्रोत हैं ब्यास कुंड और ब्यास रिखी। वहाँ से ब्यास नदी निकलती है और ब्यास कुंड और ब्यास रिखी के बीच में एक दशहर झील है जो ब्यास रिखी और ब्यास कुंड से भी ऊंचाई क्षेत्र पे है ठीक है। वहाँ से भी इसे पानी मिलता है ठीक है। और दर्रा कौन सा है? उद्गम स्थल क्या है, मतलब कौन से दर्रे से ब्यास नदी निकलती है? तो वो निकलती है रोहतांग दर्रे से। दशहर झील से एक नाला मिलता है, राहणी नाला, जो ब्यास नदी का पहला सहायक बनता है। ये रहा ठीक है। आगे ब्यास नदी बढ़ती है कुल्लू क्षेत्र में, कुल्लू क्षेत्र से निकलता है और आगे ब्यास नदी जब बढ़ती है तो उसके साथ सोलंग नाला जो ब्यास कुंड का ही सहायक बनता है, ब्यास कुंड के साथ एक घाटी है सोलंग घाटी ठीक है, वहाँ से सोलंग नाला जो है वो निकलता है ठीक है और ब्यास का सहायक बनता है। मनालसू, कारणी, फोजल, सरवरी जो है ब्यास के सहायक नाले हैं। पार्वती सबसे लंबी सहायक नदी है, उसके जो भूंतर के समीप मिलती है। हारला नदी जो है ब्यास की सहायक है। सैंज और तीर्थ नदियाँ जो है वो लारजी में इसके ब्यास नदी के साथ मिलती है। बजोरा में ब्यास नदी जो है वो मंडी में एंटर कर जाती है। उसके बाद लूनी, उहल, सुकेती और रीना जो है इसकी सहायक नदियाँ बनती है। उहल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा से होता है ठीक है। उसके बाद संधोल में जाके ये बॉर्डर बनाते हुए, संधोल में ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है और ये हमीरपुर और कांगड़ा का बॉर्डर बनाते हुए आगे कांगड़ा की तरफ बढ़ जाती है। बिनवा जो बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलती है वो संधोल के पास जो है ब्यास नदी से मिलती है। न्यूगल खड़ ब्यास नदी की सहायक है। गज, बनेड़ और बाण गंगा जो है और चक्की जो है ब्यास की सहायक है और मिर्थल में ये आगे पंजाब में चली जाती है। शहर कौन कौन से हैं? मनाली है, लारजी, भुंतर, मंडी, सुजानपुर, नदौन, डेरा गोपीपुर ठीक है। इसके किनारे जो हैं ये शहर बसे हुए हैं ठीक है। बस इतना ही था, ये बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा जो बचती हैं वो आप किताब खोलें और पढ़ें, पर पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक आता होगा तभी आगे आप पढ़ सकते हैं आगे खड्डों के बारे में, है ना। चलिए, आगे मैं आपको अगली सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।